हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं चीज़ पॉपकॉर्न। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम ये पॉपकॉर्न कुकर में बनाने वाले हैं, आप किसी बड़ी सी कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अगर आप चाहती कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्न पॉप हो तो आपको ऐसे कॉर्न यूज़ करने पड़ेंगे जिसमें जो वाइट पोर्शन रहता है वो कम से कम होना चाहिए। मैंने ये ऑनलाइन खरीदी है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस को लो फ्लेम पे रखा है। कुकर में 2 चम्मच ऑयल डालेंगे ऑयल थोड़ा सा गर्म होने के बाद उसमें डालेंगे हम बटर। बटर से टेस्ट अच्छा आता है, अगर बटर नहीं है और नहीं डाला तो भी चलेगा। जब बटर पूरा मेल्ट हो जाएगा उसमें हम डालेंगे कॉर्न। अब हम इसे ऐसे ही थोड़ी देर के लिए स्टिर करते रहेंगे। हमें उतना ऑयल और बटर रखना है जिसमें कि सारे कॉर्न डूब जाए। उसके बाद हम उसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। जब ये पॉप होना शुरू हो जाएगा हम इसे ढक के रख देते हैं। मैंने कुकर की सीटी और रिंग निकाल के रखी है। अब हम इसे तब तक रखना है जब तक कि पॉप होने की आवाज़ आ रही है। जब पॉप होने की आवाज़ बंद हो जाएगी हमें इसे धीरे से ओपन करके देखना है। अब देख सकते हैं सारे कॉर्न जो है बहुत अच्छे से पॉप हो गए। अब हम इसे चीज़ कॉर्न बनाना है। तो इसे बनाने के लिए हम लोग चीज़ पाउडर का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि चीज़ का यूज़ करने वाले हैं। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला था, जैसे ही ऑयल गर्म होता है उसमें हम डालेंगे ये बनाए हुए कॉर्न। उसके ऊपर हम लोग डालेंगे थोड़ा सा चीज़। चीज़ को मैंने ग्रेट करके लिया है, तो इसमें से आधा ही हमें अभी यूज़ करना है। आपको ये प्रोसेस गैस को लो फ्लेम पे रख के ही करनी है, अदरवाइज़ जो कॉर्न है वो जल जाएंगे। इसे करते करते हमें नीचे के जो पॉपकॉर्न थे उसको ऊपर लाना है और ऊपर के इनको नीचे डालना है। जैसे ही ऊपर आ जाएंगे हम लोग फिर से उसमें चीज़ डालेंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि चीज़ जो है वो सारे पॉपकॉर्न्स को लग जाए, तभी उसका फ्लेवर आएगा। अब ये हो गए तो हम गैस को ऑफ करेंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब देख सकती है कि सारे पॉपकॉर्न को ये चीज़ लग चुका है, तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा खाते टाइम।